आम आदमी जिंदाबाद, 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 आम आदमी जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 एल जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एल जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं हिंदुशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जीतेंगे, 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 यह कोई मामूली आंदोलन नहीं है, दिल्ली के नागरिकों के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हम लोग। और हम बताना चाहते हैं एलजी साहब से, जो आजाद हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी वायसराय बनकर बैठे हुए हैं, कि 1935 मत दोहराइए, 1935 मत दोहराइए, यह मुल्क आजाद हो चुका है, जनता ने अपना नुमाइंदा चुन लिया है, और जिसे अपना नुमाइंदा चुना है वो उनके लिए बढ़िया काम कर रहा है, उनके लिए बिजली हाफ कर रहा है, पानी माफ कर रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहा है, स्कूल ठीक करवा रहा है। एलजी साहब, किसी चक्कर में मत रहना, मोदी जी किसी चक्कर में गलत फहमी में मत रहना, ये आम आदमी पार्टी का सिपाही है, अगर तुम हमारा हक नहीं दोगे हम तुम्हारे रातों की नींद हराम कर देंगे, तुमको शांति से नहीं देंगे, किसी भी गलत फहमी में मत रहना, ये आंदोलन की शुरुआत है, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविवार की तारीख तक पूरे दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करके मोदी के कार्यालय के सामने खड़ा किया जाएगा। इस देश के अंदर तानाशाही और मोदी शाही के दम पर नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, लोगों के दम पर लोकतंत्र चलेगा, किसी लाभ का है, किसी बात का है।